हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका बीए फर्स्ट ईयर वालों का 2019 में सोशियोलॉजी का पेपर नंबर फर्स्ट। दोस्तों 2018 में और 2019 में जो भी क्वेश्चन पेपर हुए थे दोस्तों, सभी मैंने डाल रखे हैं और वीडियो के ठीक नीचे आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका सोशियोलॉजी का पेपर नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, समाजशास्त्र के जनक कौन है, इसके जो चार ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा है, परिवार निम्नलिखित में से कौन सा समूह का उदाहरण है, ठीक है। चलिए और आगे मैं आपको ले चलता हूँ। थर्ड वाला, संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसने कहा है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाला, चेतन व अवचेतन सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे फिफ्थ वाला बोलता है, प्रगति वह है जो माननीय सुख में सर्वाधिक करती है, यह कथन किसका है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। क्वेश्चन टू यहाँ पे बोलता है, समाजशास्त्र की अवधारणा आपको यहाँ पे लिखना है। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का संबंध आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समाज की प्रमुख विशेषता यहाँ पे आपको बताना है, समुदाय क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, सामाजिक संरचना की आपको विवेचना करना है। इसकी जो और में क्वेश्चन है वो है, समाजीकरण की अवधारणा से स्पष्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सामाजिक स्थिरीकरण कर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। इसकी जो और में क्वेश्चन है वो है, आदर्श नियम क्या है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ, उपनिवेश क्या है। इसके जो और में क्वेश्चन है वो है दोस्तों, प्रगति का अर्थ यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए और भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और पाँच नंबर का एक क्वेश्चन है, पाँच ही क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। समाजशास्त्र के महत्व पर आपको निबंध लिखना है दोस्तों, ये पाँच नंबर का क्वेश्चन है। समाजशास्त्र का विज्ञान है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर एट, प्राथमिक समूह का अर्थ एवं विशेषता यहाँ पे आपको लिखना है। इसके जो और में क्वेश्चन है वो है, समुदाय और समिति में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्यक्तिगत के विकास में समाजीकरण के महत्व को आपको समझाना है। इसके जो और में क्वेश्चन है वो है, संस्कृति की विशेषताओं के विवेचना यहाँ पे आपको करना है। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधारों के यहाँ पे आपको विवेचना करना है। सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषता यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रगति की प्रमुख विशेषता यहाँ पे आपको लिख देना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका जो पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे।